बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज रावलपिंडी प्रेस क्लब में ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो मेंबरान हैं वो आज इत्तेजाज कर रहे हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, चेयरमैन आरडीए के ख़िलाफ़ जो है वो इत्तेजाज कर रहे हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की जब लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं तो उनको एनओसी दिया जाए ताकि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो अपने मेंबरान को जो है वो प्लाट डिलीवर करे। हम लोग ब्लू वर्ल्ड सिटी के मेंबरान हैं और इस वक्त ये पोजिशन है कि जो मुखालफ धड़ा है, जो माफिया है, इस वक्त उन्होंने हम लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, इत्तेजाज पुरमन इत्तेजाज करने आए, तो उन्होंने हम पे जो है वो पथराव किया है, लाठी चार्ज किया है और हम लोग पुरमन इत्तेजाज कर रहे थे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो दोस्त मौजूद हैं वो ज़ख्मी हालत में हैं और अगर वो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी चाह रहे थे तो उनको चाहिए था कि वो बाद में कर ले। हम लोग जब एक पुरमन इत्तेजाज करने आए तो उनको चाहिए था कि हमें पुरमन इत्तेजाज करने दिया जाता। प्रेस क्लब के जितने साफ़ी बरादरी है वो इस बात की गवाह है कि उस माफिया ने हम पे हमला किया है, हमारे दोस्तों को जो है वो जदोकूब किया है। हम लोग पुरमन इत्तेजाज करने वाले लोग हैं, हम लोग तो चूँकि ब्लू वर्ल्ड सिटी के मेम्बर हैं, हम लोग यहाँ पे ये मुतालबा करने आए थे कि चेयरमैन आरडीए को जो है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को जो है एनओसी जारी करना चाहिए, लेकिन इस वक्त आपके सामने देख लें हमारी हालत क्या की गई है। तो ये इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है मेरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से, चेयरमैन आरडीए से जो है अपील है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को जो है वो एनओसी जारी किया जाए ताकि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो अपने मेंबरान को प्लाट डिलीवर कर सके। बहुत शुक्रिया।